हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका टेकोपीडिया के एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं उस टॉपिक के बारे में जो मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछे हैं। आप लोगों को मैं बताता रहता हूं कि कमेंट सेक्शन से मैं टॉपिक पिक करता हूं, तो कमेंट सेक्शन से एक और टॉपिक पिक किया है मैंने, जिसमें लोगों की दरख्वास्त थी कि मैं ऐसा कोई तरीका बताऊँ जिससे जियो फाइबर की जो स्पीड होती है ना वो थोड़ी सी फास्ट हो जाए। जियो फाइबर की कुछ लोगों की स्पीड थोड़ी स्लो होती है, तो वो फास्ट होने के लिए लोगों ने मुझसे तरीका पूछा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या कारण होता है जिससे स्पीड इसकी थोड़ी सी कम हो जाती है, उसके बाद इसके बारे में मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप स्पीड को बढ़ा सकते हो, कैसे आप अपनी जो डिज़ायर्ड स्पीड है, मतलब अगर 150 Mbps का प्लान है तो 140 से 150 के बीच में अगर स्पीड आ जाती है तो बेहतर है। अगर 30 Mbps का प्लान है तो 20 से 30 के बीच में अगर स्पीड आ जाती है, 25 से 30 के बीच में स्पीड आ जाती है तो हमारे लिए बहुत होता है। तो ऐसी स्पीड कैसे आप पा सकते हो, इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें। पहली चीज़ कि हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है बोट स्मार्ट वॉचेस का, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको बताया है मैंने कि कैसे आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगली चीज़ कि हमारे चैनल पे जो सब्सक्राइबर काउंट है वो तो आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 99% लोग वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ थोड़ी चिंताजनक है। उस पर आप लोग ज़रूर गौर करिए। अगर आपको हमारे वीडियो से वैल्यू ऐड होती है आपकी लाइफ में तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारी लाइफ में भी थोड़ी वैल्यू ऐड हो सके। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक कारण बताता हूँ जिसकी वजह से इंटरनेट जो जियो फाइबर है या कोई भी नॉर्मल नेटवर्क है, जियो, एयरटेल, BSNL कोई भी है, उसकी स्पीड स्लो होती है। उसको बोलते हैं इंटरनेट थ्रॉटलिंग। ये चीज़ क्या होती है, इसको अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं, फॉर एग्जांपल अगर एक पाइप है, ठीक है, पाइप जा रही है, तो पाइप पे अगर मैं बीच में पैर रख दूँ तो यहाँ से तो पानी बढ़िया से आ रहा है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे मैंने पैर रख दिया तो थोड़ा ही पानी जा पाता है, ज़्यादातर पानी यहाँ से रुक जाता है। यही कॉन्सेप्ट होता है इंटरनेट थ्रॉटलिंग का, ठीक है। इंटरनेट थ्रॉटलिंग में इसका कॉन्सेप्ट ही यहीं से आता है कि जो कंपनीज होती हैं वो नॉर्मल जो नेट होता है वो उस, मतलब एक उन्होंने बैंड तैयार करके रखी है, तो नॉर्मल जो सबको ही उतना अच्छे से मतलब स्पीड प्रोवाइड हो सके, इसलिए वो लोग थ्रॉटलिंग करते हैं। कि जैसे होता ना कि अगर बिजली घरों में प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, बहुत सारे घरों में बिजली प्रोवाइड हो रही है, एक ही घर वाले ने ज़्यादा बिजली यूज़ कर ली, बाकी लोगों को तो लो वोल्टेज हो जाएगा। तो वैसा सा सीन होता है कि सबको समान तरीके से इंटरनेट मिले, सबको समान तरीके की स्पीड मिले, ये कंपनी का डिज़ायर्ड चीज़ होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आता है इंटरनेट थ्रॉटलिंग का। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी, अगर आपको इसका पूरा समझना है तो ऊपर आई बटन पे मैं आपको लिंक दे, सॉरी इधर आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप लोग को अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन अभी मैं आपको करके दिखाने भी वाला हूँ, वो ये है कि आप जब इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रात में जब सोने जाते हो तो आप वाईफाई बंद कर दीजिए। राउटर क्या होता है, बहुत से लोगों घर में देखा है कि राउटर 24 घंटा ऑन रहता है, वो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 दिन तक ऑन रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, उसके अंदर का जो सर्किट बोर्ड होता है, हर एक डिवाइस में अंदर सर्किट्स होती हैं, आईसीज होती हैं, चिप्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, तो वो भी गर्म होती हैं, ठीक है। इस वजह से एक समय पे वो भी जल जाती हैं। तो हम सोचते हैं यार हमारा क्यों जल गया, हमारा इसीलिए जलता है क्योंकि हमने उसका सही से केयर नहीं किया है। उसका केयर करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि टाइम टू टाइम आप उसको ऑफ़ भी करते रहें, उसको थोड़ा आराम भी देते रहें, ठीक है। अगर उसको आराम मिलेगा, वो टाइम टू टाइम ऑफ होता रहेगा, तो उसका जो अंदर का सर्किट बोर्ड है उसको भी थोड़ा ठंडा होने का मौका मिलेगा, वरना वो गर्म ही गर्म होता रहेगा। तो इस चीज़ का आप बहुत ज़रूरी से ध्यान दीजिएगा। अगली चीज़ है, चलो अगली चीज़ मैं वहीं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ ताकि आप लोग को बेटर तरीके से समझा पाऊँ। एज प्रॉमिस्ड लेके आ गया हूँ मैं आपको अपना, ये देखिए ये सेट टॉप बॉक्स है और ये है हमारा जियो फाइबर का राउटर और ये है सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है, आप लोग इसको ज़रूर यूज़ करिए, सैनिटाइज़र भी ज़रूरी है, बीच बीच में इसकी इन्फॉर्मेशन भी देना हमारा काम है, ठीक है। तो राउटर के साथ आपको क्या करना है, राउटर के साथ आपको 2-3 चीज़ें करनी है। एक तो मैं बता भी चुका हूँ, मैं फिर बता देता हूँ। इसमें आपको ये जो स्विच है, ठीक है,
पावर स्विच, इसको ऑफ कर देना है जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो, या फिर रात के टाइम जब आप सो रहे हो और आपको पता है कि अब आप यूज़ नहीं करोगे तो इसको ऑफ कर दो। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, बता भी रखा है कई बार कि इसके अंदर होती तो चिप्स ही है ना, मतलब इसके अंदर होती है आपके सेंसर्स हैं, इसके अंदर होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हीटअप होती हैं, उस वजह से भी आपकी स्पीड प्रॉपर कभी कभी नहीं आ पाती है। मैंने खुद चीज़ को ऑब्ज़र्व करा है, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ कि जब आप इसको थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट देते हो, जैसे आप थोड़ी लगातार इसको यूज़ करते रहो, तो हल्का हल्का गर्म सा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का गर्म होता है, ठीक है। तो आपको ज़रूरी चीज़ ये है कि इसको कभी कभी ऑफ भी कर देना चाहिए, 10-15-20 मिनट के लिए सही, एक घंटा दो घंटे के लिए सही, लेकिन इसको ज़रूर आप ऑफ कर दीजिए ताकि इसको थोड़ा सा रिकवर होने में टाइम मिले, ठीक है। और ये तो सेट टॉप बॉक्स है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना दिखाना चाहता हूँ वो ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इसमें इस टाइप का पीछे फंक्शंस होते हैं। ये केबल होती है जो इसको कनेक्ट करती है बाहर, ये जो येलो वाली है ना, ठीक है, येलो वाली मैं आपको दिखाता हूँ, ये येलो वाली कनेक्ट है बाहर से, ठीक है। किसी दिन अगर आप बोलोगे तो ये मैं आपको पूरा कनेक्शन करके, मतलब कनेक्शन वाला भी दिखा दूंगा एरिया, लेकिन अभी के लिए आप ये देखो कि ये येलो वाली जो केबल है ना वो यहाँ से कनेक्ट है, और ये जो एक ब्लैक केबल जा रही है ये यहाँ से होते हुए एसी डक से होते हुए ये बाहर की तरफ जा रही है, और ये बाहर पोल से कनेक्ट हुई है, और वो जो पोल से लाइन आ रही है वो येलो वाली से ही थ्रू इसमें आ रही है, और ये वाला तो खैर इसे इधर से HDMI पोर्ट से कनेक्ट है, तो ये चीज़ तो है ही, ठीक है। और जो मेन चीज़ मैं इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको टाइम टू टाइम इसको, जो इसके पीछे के पोर्ट्स हैं ना, इसको खोल खोल के कभी कभी इसको साफ़ भी कर देना। देखिए इसमें 5 HDMI पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, और पावर बटन और ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको ज़रूर से ध्यान रखना है कि आपको इसको कभी कभी खोल के साफ़ भी कर देना है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। माफ़ कीजिएगा, 5 नहीं है, 4 HDMI पोर्ट्स हैं और एक टेलीफोन केबल को घुसेड़ने के लिए वो दिया गया है, जगह दी गई है, ठीक है। तो इसको भी आप अक्सर साफ़ करते रहा करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ से इसको ऑफ़ कर दीजिए पहले, उसके बाद ये सारे केबल को निकाल के देखिए ये सब जो है, या फिर इधर की जो जगह है इसको फूक फूक मार के भी साफ़ कर दीजिए, कभी कभी कपड़े से भी साफ़ कर दीजिए। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इधर से ऊपर से जो ऊपर निकला हुआ है इसको दबाइए और बस इसको खींच लीजिए, ठीक है। ये देखिए ये सारी चीज़ें भी हैं, तो इन सबको साफ़ करते रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को साफ़ नहीं करते हो टाइम टू टाइम तो वो भी इम्पैक्ट क्रिएट करते हो। ये है, इसको फूक फूक मार के आप साफ़ कर लीजिए, कपड़े से साफ़ कर लीजिए, बस साफ़ करते रहना चाहिए क्योंकि ये साफ़ होते रहना चाहिए, इसमें गंदगी आएगी तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इन सब को ऐसे ऐसे करके ऐसे साफ कर सकते हो, ठीक है, सो फूक मार के, फूक मार के इन सब चीज़ों इन सबको साफ करते रहा करो, ठीक है। जितना ज़्यादा ये साफ होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देख लिया दोस्तों आपने, ये सारे तरीके हैं, ये दो जो मैंने दिखाए और एक थ्रॉटलिंग वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया, ये तरीका है जिससे स्पीड की इशू आता है लोगों को। एक और तरीका है जो आप लोगों को ज़रूर समझना चाहिए, वो तरीका ये है VPN। VPN यूज़ करने से कई बार आप लोगों की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, और उसके पीछे क्या कारण है उसके बारे में एक वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ, अगला वीडियो हो सकता है उस बारे में ही आ जाए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ आपको कि VPN यूज़ करने से आपकी इंटरनेट की स्पीड क्यों घट जाती है, ठीक है, आखिर क्या कारण है कि VPN यूज़ करने के बाद आपकी इंटरनेट की जो स्पीड है वो घट जाती है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, ब्रॉडबैंड हो चाहे नॉर्मल इंटरनेट हो, उसकी स्पीड घटने के लिए। तो ये चीज़ आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा।
आई होप इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, वीडियो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये चीज़ एक बार फिर देख लीजिए, सब्सक्राइबर्स और अनसब्सक्राइबर्स का काउंट में बहुत डिफरेंस है, 99% लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। गिव अवे में ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।